Welcome to Kalinga Tutorial, Santikanan Lane near FM College, Baleshwar. Online classroom for plus two science second year students. एबे देखिबा डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन को जस्ट देखि सले बा पढ़ी सले एबे देखिबा इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट पैरामीटर इंपैक्ट पैरामीटर एटा बहुत बुझिबार छ देखो समिति जदि पिला माने मोर ये गुटे एटम हुए आ ये एटम सेंट्रल पार्ट ता मोर एठे न्यूक्लियस हो छि एटम सेंट्रल पार्ट मोर कोन हो छि न्यूक्लियस एक दुई प्रकार कथन गुटा अल्फा पार्टिकल एमति ता पाथ डिवाइड हो छि आ गुटा अल्फा पार्टिकल डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्शन पर देखो छी मींस जो बाटे जाउ छी से बाटे फेरी आसु छी ए दुटा कथा भल लगो छ ए उठो एति की को हमें आर नॉट को हो छे बा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को छे एबे जस्ट चिंता करो जदि एई एटम रे सेंट्रल पार्ट रे मोर न्यूक्लियस ता नथांता जदि एई बसल रे मोर न्यूक्लियस ता नथांता ते एई अल्फा पार्टिकल रे एई पोटे एम पळी जाना जेहेतु न्यूक्लियस उपर पॉजिटिव चार्ज अछि अब अल्फा पार्टिकल ता उपर पॉजिटिव चार्ज रे गोंठा तेनु अल्फा पार्टिकल ना ता पाथ रे कोन होत डेविएट करू छी जदी एई पाथ रे हमर न्यूक्लियस ता नथांता ए जे डॉटेड लाइन मारिबे सेही लाइन देही अल्फा पार्टिकल ता एटम जे रे अनडेविएटली जाई था सेकंड कांसेप्ट एई रे बा क्लास जदी मोर एई सेंट्रल पार्ट रे न्यूक्लियस ता नथांता जदी सेंट्रल पार्ट रे पिला माने न्यूक्लियस ता मोर नथांता एई जागा न्यूक्लियस ता नथांता এই যে আলফা পার্টিকেল না এমটি যাই থাকা না দেখো যদি এই সেন্ট্রাল রিজিওন নিউক্লিয়াস না থাকে এই যে আলফা পার্টিকেল আসছে এই কোটা পড়ে থাকা আর এই যে আলফা পার্টিকেল যে নিউক্লিয়াস পাই তার অরিজিনাল পাথে রিপ্লেস করেছে সেই মধ্যে এই কোটা এমটি পড়ে থাকা দেখা দেই না যদি মধ্যে কোন না থাকে নিউক্লিয়াস না থাকে এই যে ডক্টর লাইন মারিবে एक बार आपको कहा जाए अप्रोचिंग पाथ एक बार आपको कहा जाए अप्रोचिंग पाथ को पाथ कहा जाए अप्रोचिंग पाथ अब एक इंपैक्ट पैरामीटर को फिलहाल स्मॉल बी दे रखा है माने रखो जब इधर डिस्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रोच को आर नॉट रे रखा जाए আমার ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার স্মল বি রে লেখা ইম্প্যাক্ট প্যারামিটার হচ্ছে এই যে অ্যাপ্রোচিং পাথ র ভেলোসিটি ভেক্টর র গোটে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স দেখো এই যে ডটেড লাইন গুলা মু কোন কই আলফা পার্টিকেল র অ্যাপ্রোচিং পাথ তেলো আলফা পার্টিকেল এই পটে যাই থাকে মিন্স তার পাথ ভেলোসিটি থাকে तो ए वेलोसिटी फैक्टर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हमें इंपैक्ट पैरामीटर को पूछे बाय ए डिस्टेंस का को हमें को है इंपैक्ट पैरामीटर यह कथा वन कथा नंबर 2 इंपैक्ट पैरामीटर केबे भी हमें लेफ्ट साइड ऑफ द एटम में ड्रॉ कर परिमाण नहीं कारण इंपैक्ट पैरामीटर पर मते अप्रोचिंग पाथ का दरकार जे कि एवे फ्रॉम द एटम अछि एटम थरो दूरे के अछि आ ए न्यूक्लियस दे रे रिपल्सन हला परे आमे कोन पाउ छी इंपैक्ट पैरामीटर पाउ छी बिफोर अप्रोचिंग पाथ मींस द ओरिजिनल पाथ जकर अल्फा पार्टिकल माने जाउ छी ताकर ओरिजिनल पाथ रे केबे भी आमे इंपैक्ट पैरामीटर ड्रॉ करि परिबा नाही इंपैक्ट पैरामीटर ता पिला माने सब गड़े
approaching path withdraw कराये जे की away from the nucleus nucleus चलो दूरे की draw करा जाए ऐसे देखो एटा कौन deviated path deviated path यह है approaching path एक deviated path आप approaching path कितने उटे angle create हो चुके एक deviated path आउ एप्रोचिंग पाथ भितरे गुटे एंगल क्रिएट होचे ता नाम होला थीटा ता नाम होला थीटा जो एंगल को आमे कह जाय स्कैटरिंग एंगल ता कोन होचे स्कैटरिंग एंगल बाय एंगल ऑफ स्कैटरिंग स्कैटरिंग एंगल तेरो स्कैटरिंग एंगल इज द एंगल बिटवीन द डेविएटेड पाथ and the approaching path of an alpha particle. प्रथम वो impact parameter विषय में लिखें। So impact parameter is the perpendicular distance between the velocity vector of an alpha particle which is drawn away from the atom. So impact parameter impact parameter is the perpendicular distance of the velocity vector of alpha particle in their approaching path in their approaching path which is drawn away from the atom which is drawn away from the atom next achi a impact parameter expression formula then your formula of impact parameter b is equal to j e square cot theta by 2 divided by 4 pi epsilon naught into kinetic energy by impact parameter jeta kami small b kouche impact parameter is equal to j e square cot theta by 2 by 4 pi epsilon naught into kinetic energy yaha impact parameter ko kotha ebe ei formula ami jani lebo impact parameter jeta bele अब न्यूक्लियस टाइम दूरे ही दूरे ही जीवा सदे इंपैक्ट पैरामीटर और फिर कौन हो बॉडी बॉडी जीवा अब जैसे बड़े न्यूक्लियस आड़ों को अगर धीरे धीरे असीवा सदे बड़े इंपैक्ट पैरामीटर और फिर कमी कमी जीवा अब ये जो सेंट्रल पार्ट है जैसे लोग पहुंच जीवा ये जगह इंपैक्ट पैरामीटर और फिर जीरो हो सही जगह इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ द कोण हो जीरो तो इंपैक्ट पैरामीटर विषय लिख साला पोरे बिट 1 कर कि देखो या तळे बिट 1 कर कि देखो व्हेन वी मूव्स अवे व्हेन वी मूव्स अवे from the nucleus then the value of impact parameter increases gradually number 2 point number 2 when we
moves towards the nucleus. When we moves towards the nucleus, the value of impact parameter, the value of impact parameter decreases gradually. The value of impact parameter decreases gradually. Number third point, number third point. At the central part of an atom, at the central part of an atom, at which the alpha particle serves 180 degree of deviation, the alpha particle serves 180 degree of deviation, the value of impact parameter, the value of impact parameter at that particular point, the value of impact parameter at that particular point is zero. The value of impact parameter at that particular point is zero. Ethi thila impact parameter bisoy. Next ame dekhiba ki scattering angle kaha koa jae sei bisoy porhiba. Next heading dio scattering angle ba angle of scattering. Scattering angle. Scattering angle. Jahara bhellu hela, ba jahaku ami lekhuchu kon theta. Jahaku lekhuchu ami theta. To scattering angle, kaha kaha bhitare angle pila mane? Ei approaching path aur deviated path bisoy. Approaching path. अब deviated path भीतर जो एंगल ना तब एंगल ऑफ स्कैटरिंग बस स्कैटरिंग एंगल को आ जाए सही को था लेकिन बा स्कैटरिंग एंगल इज दी एंगल बिटवीन दी deviated path and the approaching path of alpha particle of approaching path of alpha particle. So scattering angle is the angle between the deviated path and the approaching path of alpha particle. Bas. Ethi thila impact parameter aur scattering angle bisoy. Ebe dekhiba ei Rutherford jo experiment dele sei experiment re kichi drawbacks royal. Thomson kor madhya drawbacks thila. Rutherford ko madhya kichi drawbacks royal. Pratham drawbacks. But first drawback from the end. Drawbacks of Rutherford's atomic model. Drawbacks of Rutherford's atomic
थॉमसन रॉबेक मुटे मने होगे तो छ तुमन थॉमसन एटॉमिक मॉडल ले बीटा रॉबेक थे गुटे थिला ए अल्फा पार्टिकल गुटे लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग करुछ ता विषय रे थॉमसन कहि पालि नथि किंतु सही कथाटा रदरफोर्ड कहि देले लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग विषय से बुझले त सेकंड से कंप्लीट कर देले थॉमसन को सेकंड ड्रॉबैक थिला जेगुटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बा हाइड्रोजन एटम गुटा हाइड्रोजन एटम काहे कि स्पेक्ट्रल लाइन बा लाइट स्पेक्ट्रम निज थन एमिट करे से विषय मध्य थॉमसन को कहि पाली नथिले रदरफोर्ड से विषय किछ कहिले आब जेते कथा पढी गले लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग बा थीटा विषय पढिले किंतु हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रल सीरीज जे हाइड्रोजन एटम गुटे एमिट करूछि ता विषय रे रदरफोर्ड कोनसी जगह रे मेंशन करिले नाही तेरो फास्ट ड्रॉबैक्स रहला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में इट फेल्स टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम राइट नंबर 2 सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट रे से गुटे एटम टा का स्टेबल से विषय कहि पाले ना के रदरफोर्ड गुटे एटम रो स्टेबिलिटी विषय रे रदरफोर्ड केबे भी ताको एटॉमिक मॉडल कहि पाले नाही प्रथम कथा उठे हाइड्रोजन एटम आही की लाइट स्पेक्ट्रम एमिट करू छे से विषय से कहिले सेकंड पॉइंट से कहिले जे उठे एटम टा काही स्टेबल से विषय कहिले ए स्टेबिलिटी ऑफ द एटम केमती हुए रे फिजिक्स रे उठे ब्रांच अछि ताको क्लासिकल इलेक्ट्रो डायनामिक्स बोलि पाले जेमते हम काइनेटिक्स पढु छे बा हमर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढु छे सेमते गुटे फिजिक्स रो ब्रांच अछि ताना वाला क्लासिकल इलेक्ट्रो डायनामिक्स एही विषय रे से कोन कहु छी जदी गुटे चार्ज पार्टिकल जदी गुटे चार्ज पार्टिकल गुटे सर्कल ले कंटीन्यूअसली सर्कुलर पाथ मोशन करू छी जदि गुटे चार्ज पार्टिकल मा सर्कुलर मोशन कंटीन्यूअसली हो छी से गुटे निर्दिष्ट पॉइंट रे आसी के रेस्ट रे रही जीवा कथा माने करे गुटे चार्ज पार्टिकल के नाम ये होती गुटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करू छी क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स कहू छी जते बेले गुटे चार्ज पार्टिकल गुटे सर्कुलर पाथ रे मोशन करिवो से प्रत्येक पॉइंट रे किछि एनर्जी एमिट करिवो माने निज पाथरु किछि एनर्जी से सब बेले हरे आ कोउ फॉर्म रे एनर्जी बलाय गुटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म रे कोउ फॉर्म रे एमिट एनर्जी से लॉस करि करि जीवो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स फॉर्म रे से कोन हो कोई ईच एंड एवरी पॉइंट रे से त एनर्जी की लॉस करियो तो एमती गुटे पॉइंट आसीबो जो पॉइंट रे ता पाखरे आ टोटल एनर्जी नथिबो तो से कोन हो गुटे जगह रे कांस्टेंट रे आसी रहिजो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स ए विषय आपको कहू छी जे जे कोनो सी गुटे जे चार्ज पार्टिकल कंटीन्यूअस गुटे सर्कुलर मोशन करे से ईच एंड एवरी पॉइंट रे कोन करिवो एनर्जी गुटे लॉस करे आ से एनर्जी जे से लॉस करे को फॉर्म रे लॉस करिवो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म रे एनर्जी लॉस करिवो आ एंति गुटे पॉइंट आमे पाइबा जो जगह रे चार्ज पार्टिकल ता आसी की रोहित को पास स्टे हे
कारण ईच एंड एवरी पॉइंट रे से एनर्जी लॉस करि दैथिबो आ ता पाखरे सर्कुलर मोशन करिया पय एनर्जी नथिबो किंतु हमर एटम क्षेत्र रे कोन आमे लेखे न्यूक्लियस सेंट्रल पार्ट रे हुए आ इलेक्ट्रॉन माने गुटे निर्दिष्ट सर्कुलर ऑर्बिट रे एई एटम रो न्यूक्लियस आइ पटे बुली थांती बुलो दिन नहीं किंतु केबे आमे सुनिजे पिला माने एई जे इलेक्ट्रॉन माने गुटे सर्कुलर ऑर्बिट रे न्यूक्लियस साइड पटे बुलु चथि समाने किछि समय परे आसी कि गुटे जागा रे रेस्ट रोई जाई चथि बाय सेंट्रल पार्ट रे आसी रोई जाई जों पड़ी केबे त आमे देखिले उ एटम क्षेत्र आमे एटम रे कोन पड़ी छे सेंट्रल पार्ट रे न्यूक्लियस रे अब इलेक्ट्रॉन माने कंटीन्यूअस गुटे निर्दिष्ट पाथ रे न्यूक्लियस साइड पटे रोटेट करो तो यही जगह रे सही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पार्टिकल सीए भी मध्य सर्कुलर मोशन करू छी किंतु सीए से कते बड़े गुटे पॉइंट रे कांस्टेंट रहो नहीं काहे की रहो नहीं बाय एटम ता काहे की स्टेबल एही विषय रे रदरफोर्ड कहि पाले नहीं गुटे पाठ आपको कहला यदि चार्ज पार्टिकल कंटीन्यूअसली मूव करिवो से प्रत्येक पॉइंट रे एनर्जी लॉस करिवो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म रे आ गुटे निर्दिष्ट पॉइंट आसीबो जो जगह से रेस्ट रहिजो किंतु एटम मान को क्षेत्र रे आमे देखु छे इलेक्ट्रॉन मध्ये गुटे चार्ज पार्टिकल जे कि कंटीन्यूअसली सर्कुलर मोशन करला पर मध्ये न्यूक्लियस आइ पटे से केबे गुटे जगह रे कांस्टेंट हि हुए नहीं बरं से कोन करे सब बेले एटम चारि पटे बुलु थाए एही जे दुटा कथा भितरे जे कॉन्ट्राडिक्शन आसीला ए विषय रे रदरफोर्ड बुझै पाले नहीं तेणु एही डायग्राम टा करो प्लस लेखो लेखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स व्हेन एवर ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एवर ए चार्ज पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इट एमिट्स एनर्जी इन ए कंटिन्यूअस मैनर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ठीक अछि फुल स्टॉप दियो नेक्स्ट लेखो सही सेंटेंस आफ्टर सम टाइम द चार्ज पार्टिकल कम्स टू रेस्ट बिकॉज it emits energy in each and every point during the circular motion but in case of an atom we can see that electrons are revolving around the nucleus, but they don't come into rest.